स्टेज है, उसके बाद हमारे पास आ जा सकता है मैग्नेटिक मोमेंट का एक ऐसा यूनिट एक अदर फॉर्म में, जूल टेस्ला इनवर्स। जूल टेस्ला क्यों? क्योंकि एनर्जी की क्या होती है एनर्जी यूनिट जूल, और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है टेस्ला। तो टेस्ला इसका अपॉन में जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो जूल टेस्ला इनवर्स ये हो जाएगा आपका ऐसा यूनिट। ठीक है, अरे हाँ ना बोलो, क्लियर इतना? चलिए इसे नोट कर दीजिए इसके ऐसा यूनिट को। मैग्नेटिज्म में क्या गॉस लॉ, तो देखते हो, देखे आपने कि पहले कूलम्स लॉ क्या होता है, फॉर कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इज इक्वल टू वन या क्यू अपॉन फोर पाई, क्या होता है गॉस लॉ, कूलम्स लॉ से ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां से हम गॉस लॉ को ड्राइव कर सकते थे वहां पे। तो गॉस लॉ क्या होता था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, गॉस लॉ फॉर गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता था, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद है ना, ये गॉस लॉ किसके लिए है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिज्म में सेम ये चीजें, ये क्या हो जाता है, ये आपका यहाँ पे मैग्नेटिक b इंटू ds हो जाएगा और q की जगह पे भी चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या चेंज आता है, वेयर आपको ये पता है ना यहाँ पे क्या क्या चीजें, वेयर क्लोज्ड इंटीग्रल e इंटू ds, क्या बोलते हैं इसे, क्लोज इंटीग्रल e इंटू ds इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन क्या होती है कि किसी भी एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं। ठीक है, किसी भी एरिया से परपेंडिकुलर हुआ अगर एरिया, तो उससे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखा आपने यहाँ पे, E into ds को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड q inside क्या होता है, इज द नेट चार्ज, इज द नेट चार्ज, इज द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, enclosed by the closed surface, enclosed by the closed surface। तो सिमिलरली जैसे हमने क्या करा, कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला हमें पता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये किसी पॉइंट चार्ज के लिए, और फिर इसके थ्रू हम यहाँ फाइंड कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे हम मैग्नेटिज्म में भी करते हैं, तो मैग्नेटिज्म में हम इसको किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में ये हो जाएगा सिमिलरली फ्रॉम द क्वेश्चन,
फ्रॉम दी क्वेश्चन, कौन सी क्वेश्चन? बी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है किसी पॉइंट चार्ज के लिए? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल एम अपॉन, आप यहाँ पे स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। एम क्या होता है यहाँ पे? एम फोल स्ट्रेंथ, ठीक है, और ये पॉजिटिव एम भी होता है एन पोल के लिए और नेगेटिव एम होता है साउथ पोल के लिए। एम तो वी कैन ड्राइव द गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म एज क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एस, बी इंटू डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट और एम इन साइड, देख रहे हो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही है पूरा की पूरा। वेयर आपके पास ये है क्या यहां पे? वेयर क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, एंड एम इनसाइड क्या है? इज द नेट पोल स्ट्रेंथ, is the net pole strength inside the closed surface, inside the closed surface, ठीक है, क्लियर हुआ इतना? The नेट मैग्नेटिक क्या बोल रहे हैं हम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? डायपोल्स पे, सिंगल पोल मोनोपोल नहीं होता है, मोनोपोल उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, एन और एस दोनों होना चाहिए। तो अगर किसी क्लोज सर्फेस में, क्योंकि आपको पता है गॉस लॉ किस पे लगता है? क्लोज सर्फेस में, इन क्लोज सर्फेस में, तो क्लोज सर्फेस के लिए क्या हो जाएगा? ये जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो द नेट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, इनक्लोज्ड बाय एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस, अरे ठीक है, क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा? बी इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एस इज इक्वल टू जीरो जाएगा आपके पास। क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एस इज इक्वल टू जीरो। तो फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किसी क्लोज सरफेस के लिए क्या हो जाएगा? जीरो। इसे ही बोलते हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो
नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, दी फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो. गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ये गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एस इज इक्वल टू जीरो. क्लियर हुआ इतना? तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मैग्नेटाइज्ड नीडल ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल टेस्ला इनवर्स इज प्लेस्ड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला. एक मैग्नेटाइज नीडल है, वो एक उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है एम, वो कितना है 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 2 जूल पर टेस्ला, और वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है 30 डिग्री के साथ, वो एंगल बनाता है मैग्नेट, और उसका जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो इतना है. तो आपको क्या फाइंड करना है उस पर, एक्टिंग ऑन द नीडल, टॉर्क एक्टिंग ऑन द नीडल हो जाएगा टाउ. आप फाइंड कर सकते हो टाउ फटाफट से, मुझे टाउ निकाल के दिखाओ जल्दी से. तो क्लियर हुआ, टाउ इक्वल टू टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा, एम की वैल्यू ये थी, बी ये था, साइन थीटा 30, तो 30 की वैल्यू 1/2, और आप इसे सॉल्व कर दोगे तो 7.2 इंटू 10 के पावर माइनस 4 आ जाएगा. ठीक है, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच जिसकी मतलब जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में. फिजिक्स की वो कौन सी ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में. अर्थ का मैग्नेटिज्म जानते हो ना, आपको पता है ना अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, कि अगर हम किसी भी नेडल को या मैग्नेट को सस्पेंडली रख दें कहीं पे थ्रेड से, तो वो क्या करेगा, एक डायरेक्शन शो करेगा, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ हो जाएगा. समझ रहे हो? तो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म है क्या, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. समझ लो, अर्थ में हम, और इसके पीछे बहुत सारी डिस्कवरीज हैं, बहुत सारी हिस्ट्री है कि कब कैसे देखा गया अर्थ में मैग्नेटिज्म. ठीक है, पढ़ा तुम लोगों ने कि मैंने कहा था पढ़ने के लिए. The branch of physics, the branch of physics that deals with the that deals with the study of Earth magnetism. Earth magnetism is called terrestrial magnetism. टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, और इसे एक दूसरा वर्ड भी है, जियो मैग्नेटिज्म.
ज्योग्राफी, ठीक है, बना लेते हैं डायग्राम अर्थ का। ठीक है, ऐसे कुछ बना देता हूँ मैं, और ये इस अर्थ की एक्सिस है, इस तरह से रोटेट करता है यहाँ पे, और इसके इनसाइड में और यहाँ पे रखा है एक मैग्नेटिज्म, मैग्नेट, ठीक है, एन और एस इसका है, एन और एस, और ये क्या है, म्यू, म्यू है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। और फिर इसके पास आपको पता है एन और एस, तो क्या होगा, इसके साथ क्लोज लूप बनेंगे। तो देखो क्लोज लूप कैसे बनते हैं, ठीक है, और ये बाहर की तरफ ऐसे, ये हो गया, ये बन गया आपका डायग्राम। और इसमें डायरेक्शंस दिखा दो, एस की तरफ आती है, ठीक है, रेन से बाहर की तरफ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हो गया, बन गया। और ये जो होती है इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल साउथ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल, ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं, जियोग्राफिकल साउथ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल, और इसे कहते हैं जियोमैग्नेटिक साउथ पोल। ये जो आपकी लाइन्स आ रही है ये, इसे बोलते हैं जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। और एक तुम्हें पता होता है कि अर्थ में ऐसे लैटिट्यूड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, एबव पार्ट में इनके बीच का ये वाला जो एंगल होता है, ये होता है लगभग आपका 11.5, कितना होता है, 11.5 डिग्री। आपको पता होगा 23.5 समथिंग इस तरह से होता है ना, है ना, याद आ रहा है कुछ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं अर्थ में, वही चीज है। और इसको बोलते हैं आप जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल,
एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है कि अर्थ के मैग्नेटिक्स, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स को आपको बताना होता है, ठीक है. और इसको यूज भी करते हैं बहुत ज़्यादा. तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स में तीन एलिमेंट होते हैं, एक होता है डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और डिप, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड, ठीक है. द अर्थ, क्या क्या बोला मैंने, तीन कंपोनेंट है, तीन एलिमेंट्स हैं जो यूजली जिनके थ्रू कैरेक्टराइज करते हैं हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है. सबसे पहला है डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और डीप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड, ये तीन. तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स सरफेस इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड by three quantities, ठीक है बच्चों, three quantities. अब वो तीन quantities कौन कौन आपके पास है. सबसे पहला a declination, b inclination और DIP tip and C horizontal component of the field horizontal component of the field, ठीक है. These are known as the elements, of the earth magnetic field, यही है एलिमेंट्स कौन से, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है. सबसे पहला आप हेडिंग डाल लीजिए डिक्लिनेशन, ठीक है, ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. हो गया इतना लिख ले, ठीक है. डिक्लिनेशन क्या बोला हमने, अ प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल पोल्स, That is through the axis of rotation of the earth. ठीक है, लिख लिया इतना. आपको पता है ना नॉर्थ और साउथ इसमें ही एक्सिस में क्या करता रहता है, आपका अर्थ रोटेट करता रहता है.
द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द ज्योग्राफिकल मेरिडियन. The geographical meridian, ठीक है, geographical meridian. तो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं इसको, डायग्राम को. जी, और ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है. मान ले सपोज ये पॉइंट पी है यहाँ पे, ठीक है, और यहां से ये आपका है जियोग्राफिकल एक, इसमें बना रहे हैं हम जो हमारे जो मैग्नेट है अंदर अर्थ का. तो जियोग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ. और इस तरह से इसमें क्या है, एक कंपोनेंट ये है, ठीक है, ऐसे दोनों कंपोनेंट हम बना दे रहे हैं इसमें. ठीक है, अभी डायग्राम बनानी है पूरा. और इसको बोलते हैं हम यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ. मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसी के पीछे, ठीक है, पीछे, क्योंकि देखो एक्सिस पे रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा अर्थ, तो अंदर वाला ये मैग्नेट्स है कौन सा, एन और एस. तो ये आपका क्या है, वर्टिकल पार्ट, और ये आपका क्या है, ये एक फेज बना लेते हैं इसके पीछे, ठीक, ये एक तरह से क्या बन गई, बुक टाइप के बन गई. अर्थ क्या करेगी जब से रोटेट करेगी, तो ये क्रॉस सेक्शन पार्ट है उसके. ज्योग्राफिकल नॉर्थ आपको अपने डायग्राम में देख सकते हो, पिछले वाले डायग्राम में, कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ क्या था वहां पर. तो ये मैग्नेट से निकल रही है, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसको हम लिखते हैं कैपिटल बी वी, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये, इसे हम लिखते हैं बी एच. क्या लिखते हैं, बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, और ये इसका रिजल्टेंट को आप इस तरह से मिला सकते हैं वेक्टर के, ये वेक्टर्स, और इसको बोलते हैं आप मैग्नेटिक मेरिडियन. अभी बताया मैग्नेटिक मेरिडियंस या ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, क्या होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, जिसके एक्सिस ऑफ रोटेशन करते हैं अर्थ, जिसके थ्रू, ठीक है, ज्योग्राफिकली पोल्स हैं. और एंगल, ये जो डिक्लिनेशन होता है इसे आप कहते हैं, ये वाला पार्ट, एक एंगल यहाँ पे बनाता है ये इस तरह से, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और वो ये पोल, इसको आप कह लीजिए एंगल थीटा, और इसे बोलते हैं डिक्लिनेशन. इसे आप क्या कहते हैं, डिक्लिनेशन. जी, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे डिक्लिनेशन, एक यहाँ पे भी एंगल बनता है, इसको डेल कहते हैं,
ये अलग होते हैं, इसके बारे में अब आगे बताएंगे नेक्स्ट वाले उसमें, इंक्लिनेशन। तो डिक्लिनेशन एंगल किस किस के बीच बन रहा है? मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ के बीच। द एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट विद द ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड अ डिक्लिनेशन ऑफ एट दैट पॉइंट, इसे कहते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा। क्या करना है आपको, ये याद रखना है, ठीक है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ग्राफिकल नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और डेल थीटा वर्टिकली, ये को कंपोनेंट बी एच बी वी और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ठीक है?